वेलकम टू द बेसिक्स एकेडमी स्टूडेंट्स, आज हमारी मॉडल्स की क्लास 4 है और आज हम स्टडी करेंगे यूज ऑफ शुड। मॉडल शुड का यूज कहां पर होता है, तो इसके जो मेन यूजेज हम आपको वो कराते हैं। सबसे पहले देखिए सेंटेंस, देखिए आप, यू शुड डू योर होमवर्क। आपने देखा होगा जब हम एडवाइस करते हैं किसी को या हमें कोई एडवाइस करता है तो उस सेंस में मॉडल शुड का यूज किया जाता है। तो इस सेंस का क्या मीनिंग हुआ, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए, यू शुड डू योर होमवर्क। तो यहां पर क्या क्या किया जा रहा है, यहां पर जो मॉडल शुड है ये प्रेजेंट में यूज किया जा रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें यूज किया जा रहा है, प्रेजेंट में, और क्या शो कर रहा है, एडवाइस शो कर रहा है, सलाह कि भाई आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। तो जब भी हम सलाह किसी को देते हैं या हमें कुछ सलाह देता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम किस मॉडल का यूज करता है, मॉडल शुड का यूज करता है स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट आप देखिए पॉसिबिलिटी के लिए यूज किया जाता है मॉडल शुड का। तो पॉसिबिलिटी के लिए कैसे यूज किया जाता है, द बुक शुड बी इन द अलमीरा। बुक जो है वो अलमीरा में होनी चाहिए, मतलब हमें लगता है कि जो पॉसिबिलिटी है अलमीरा में बुक होने की वो काफी है, तो हम कह रहे हैं कि बुक जो है वो अलमीरा में हो सकती है। यहां पर ये मीनिंग है इसका, यहां पर चाहिए का मीनिंग नहीं है, यहां पर क्या मीनिंग है, शुड का, हो सकती है। तो द बुक शुड बी इन द अलमीरा, बुक अलमीरा में हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मॉडल शुड का यूज करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आप देखिए यूज किया था मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब जो हमारी नैतिक जिम्मेदारियां होती हैं उनके लिए मॉरल ऑब्लिगेशन, नैतिक जिम्मेदारी बोले, नैतिक ड्यूटीज के लिए। तो वी शुड बी ओबीडियंट टू अवर पेरेंट्स, इसका मतलब क्या हुआ, हमें अपने पेरेंट्स का ओबीडियंट होना चाहिए, दैट मीन्स हमें उनका आज्ञाकारी होना चाहिए। तो जब हम मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तब भी हम उसमें मॉडल शुड का यूज करते हैं। उसके बाद में इसमें अभी मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए नेक्स्ट मॉडल आएगा, नेक्स्ट आपका मॉडल आएगा और उसका भी यूज किया जाता है, और शुड का भी यूज किया जाता है मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए। उसके बाद में बड़ा इंपॉर्टेंट यूज है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में आता है, इसके जो बेस सेंटेंसेस हैं बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं, ये है हमारा। इसका पहले आप मीनिंग समझ लीजिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। स्टूडेंट से क्या क्या सेंटेंस है, वर्क हार्ड, मेहनत करो, लेस्ट यू शुड फेल, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसमें याद कर लीजिए, इसके लेस्ट जब याद है वर्ड लेस्ट, तो लेस्ट के साथ में हमेशा शुड का यूज किया जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है और आता ही रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भी आता है, तो आप याद कर लीजिए इसका मीनिंग है। एक तो दो तीन बातें आपको याद रखनी है इसमें, एक तो इसका मीनिंग होता है नेगेटिव सेंस में, मेहनत करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, एक तो मीनिंग होता है इसका नेगेटिव सेंस में, और दूसरा हम इसमें जो नेगेटिव वर्ड है वो यूज नहीं करते, जो लेफ्ट है वही नेगेटिव सेंस को दिखाने के लिए इसमें होता है काफी। उसके साथ में लेस आएगा तो उसके साथ हम मॉडल शुड का ही यूज करेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आपको पता है इसका जो नेक्स्ट यूज होता है वो होता है इसके लिए इफ की जगह पर, फॉर इफ की जगह पर हम जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम इफ की जगह पर यूज कर सकते हैं शुड का, और इसका जो मीनिंग होगा वो वही होगा। तो आप सेंटेंस देखिए यहां पर, Should it rain, I shall not go out. तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ स्टूडेंट्स, अगर बारिश होती है तब मैं बाहर नहीं जाऊंगा, अगर बारिश होती है तब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाए, होना यहाँ पर जो मॉडल शुड है वो किसकी सेंस में यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, इफ की सेंस में। ओके, यदि आप इसे इफ से बनाएंगे सेंटेंस को तो क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, If it rains, I shall not go out. Okay. If it rains, I shall not go out. यदि बारिश होती है तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और same meaning हम अगर इसको should से बनाते हैं तब भी यही मीनिंग रहेगा। Should it rain, I shall not go out. और ये भी बहुत
एग्जाम में आता है। ओके नेक्स्ट है हमारा इसकी पास्ट फॉर्म, जो मॉडल शुड है इसकी हम पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट में कैसे यूज करते हैं, मॉडल शुड को पास्ट में कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए जरा, यू शुड हैव डन। अब हमने यहां पे सेंटेंस देखी, फर्स्ट सेंटेंस क्या लिया था हमने, लिया फर्स्ट सेंटेंस यू शुड डू योर होमवर्क। इसका क्या मीनिंग है, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए। लेकिन ये जो हम सेंटेंस जिसे हम बोल रहे हैं किस पे बोल रहे हैं, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। अगर हम ये पास्ट में बोल दें तो हम क्या बोलते हैं, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था। जब हम ये बोलेंगे तब हम मॉडल शुड को पास्ट में यूज करेंगे, और पास्ट में यूज करेंगे तो सेंटेंस फॉर्म होगा हमारा यू शुड हैव डन योर होमवर्क। You should have done your homework. आपको अपना होमवर्क करना चाहिए था। अब देखिए यहाँ पर जो इसकी फॉर्म होती है वो क्या होती है, should plus have plus V3 जब हम इसको पास्ट में फॉर्म करते हैं तब हम इस स्ट्रक्चर का इसमें यूज करते हैं, should plus have plus V3 स्टूडेंट्स। ओके तो ये हमारे मॉडल should के बहुत इंपॉर्टेंट यूजेज हैं जो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फ्रेंड्स।